इंग्लिश वोकैबुलरी डे 18 स्वागत है आपका। आप में से कुछ लोग जो है ना आपका रेगुलर रहते हैं इस पे, उनके जवाब भी रहते हैं, कल मैंने देखे भी थे, तुरंत आपका रिएक्ट भी करता हूँ। उमर की कल बात बोली थी, सबसे पहले जवाब दिया था मिस अंजला ने, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो ऐसा भी होता है, आने वाले समय में देखोगे ना, लक्ष्मी का भी आया था, बाकी और भी निशा का भी था, है ना, मैंने देखे थे, वो पूजा बोले तो प्रियंका है ना, तो उनका भी आया था, तो इन लोगों ने आपका मतलब रिएक्ट भी किया था बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जानबूझ के बोला गया था, इस बार में आपके प्रेशर रहेगा, रिवाइज भी कर पाओगे। ये शो करता है, कितने लोग ट्रस्ट शो करते हैं भाई, जो ट्रस्ट शो नहीं करेगा उसका शायद थोड़ा समय लगे। अच्छा एक बात बताएं, हर रोज जो आपका ग्रोथ हो रही है ना, हर रोज ये डे बढ़ रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो कितनी जानकारी आपके ब्रेन में बढ़ रही है। टॉक्रेसी, टॉक्रेसी फ्लू, टॉक्रेसी फ्लू, टॉक्रेसी। देखो यू की मात्रा के पीछे आपका क्या है, पॉइंट लगे हुए दो वाले, ठीक है ना, इसका मतलब थोड़ा बड़ा पढ़ा जाएगा। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का गवर्नमेंट बाय द रिच। प्लूटोनिक एक शब्द रहता है आपका, यानी हायर सोसाइटी वाला, रिच वाला, धनिक तंत्र, धनी लोगों का तंत्र, उसको बोलते हैं आपके प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेक्युलर, 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 हम सेक्युलर बोल देते हैं ना उसको, सेक्युलर इंग्लिश में बोला जाता है, सेक्युलर, सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट नॉट बाय लॉज ऑफ रिलीजन। कैसा जगह है, कैसी सरकार जो धर्म के नियम से नहीं चलती है, धर्म के कानून से नहीं चलती है, ऐसी सरकार को क्या बोला जाएगा आपका, सेक्युलर। क्या इंडिया सेक्युलर है? एग्जैक्टली, धर्म के हिसाब से नहीं चलता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें धर्म के हिसाब से चलती है, क्या पाकिस्तान सेक्युलर है? नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, सही है क्या, मैं समझा पाया? सेक्युलर का मतलब गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, किसके हिसाब से, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, तो धर्म से संबंधित नहीं है, लौकिक है, यही का है, धर्म निरपेक्ष है। लौकिक का मतलब लोगों के द्वारा वाला है, पारलौकिक हो गया इसका मतलब क्या है, धर्म वाला क्या हो गया, पारलौकिक हो गया, ईश्वर की सत्ता के हिसाब से चले। मोनार्की, आगे क्या है, मोनार्की, 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 अलग न पे दे लो, मोनार्की, एनार्की, कल एनार्की पढ़ा था, इसका मतलब क्या है, एनार्की का मतलब क्या है, एनार्की का मतलब, एनार्की कोई भी आपका हाँ सत्ता में नहीं, अराजकता, देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई सरकार नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, एनार्की। अब मोनार्की का क्या बोलेंगे, मोनार्क होता है सर आपका राजा, किंग, मोनार्क कौन होता है आपका, किंग, मोनार्की का मतलब गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, ऐसा नहीं केवल किंग हो, जैसे इंग्लैंड में बात करें अभी क्या है, मोनार्की है ना, अभी उनकी जो क्वीन है जो अभी नहीं रही है, कोरोना में निपट रही, उसके बाद में उनके जो बेटे हैं, हालांकि वो भी बुढ़ऊ हो गए, वो क्या बने वहां के, मोनार्क बने, वहीं से मोनार्क के द्वारा की जाने वाली गवर्नमेंट मोनार्की, बोलो ना, मोनार्की, हल्का ना भी नहीं पड़ा था ना, मोनार्की, पता नहीं पड़ता है आप, होता ही मोनार्की है, लेकिन इसको ऐसे बोला जाता है, मोनार्की लगता है, मोनार्की, 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 डन। राजा रानी के आधिपत्य वाली शासन प्रणाली या राजतंत्र बोल सकते हैं एक शब्द में बोले तो। आगे है आपके पास में थियाकी, थियाकी, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म से संबंधित कोई चीज, थी, और ये बना हुआ सर थीटा जो होता है ना, थी, थी, थियाकी, 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 गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, भगवानों के द्वारा सरकार चलाई जाए, दैट इज थियाकी। देवतंत्र, देवताओं द्वारा चलाया जाए या देव शासन, दैट इज थियाकी, थियाकी। हमारे पास में क्या है, अब क्या है आपका, थी ऑक्रेसी, ऑक्रेसी पहले पढ़ो, ऑक्रेसी, सी ऑक्रेसी, ऑक्रेसी, सी, इधर थी ऊपर वाला क्या, थी आ गया था, इसमें मतलब देवता आ गए, सी ऑक्रेसी, सी ऑक्रेसी आ गया। चलो, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, वो कैसी सरकार है जो, अच्छा इसका ऑपोजिट क्या हो गया थियोक्रेसी का, सेक्युलर है ना, सेक्युलर क्या है, गवर्नमेंट नॉट बाय लॉज ऑफ रिलीजन, क्या होगा सेक्युलर, और इसका उल्टा क्या होगा, थियोक्रेसी। क्या इंटरनेट सुनने में यहीं से याद हो जाएंगे, हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला जितना धीमे चल रहे ओडब्ल्यूएस में उतना ही तेज चलेंगे बाकी में,
क्योंकि ज्यादातर शब्दों से परिचित हो चुके होंगे, समझ आई बात है। तो क्लासेस चल रही है इसलिए बोलता हूँ कि आप लिखो घर पे, सर वो आपका मैजिक होने वाला है, इंग्लिश के साथ में नहीं लिख रहे होते, यही जाएगा। सर जानते सब हैं कि परीक्षा कैसे पास होती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। ये तीन स्टार ऐसे थोड़े ना मिल जाते हैं, जो मेहनत कर रहा है। देखो ईश्वर भी जानते हैं, गॉड भी जानते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, उसका प्रतिफल उतना ही मिलता है। कर्मण्येवाधिकार रस्य मा फलेषु कदाचन, जो आपने कर्म किया उसका प्रतिफल तो जरूर मिलता है, ठीक है। आप कहो ब्रिलियंट हो, तुम कितने भी ब्रिलियंट से ही कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो जितना गुड़ डालता है उतनी मिठास आती है। आपको जॉब चाहिए ना, उसमें मेहनत डाल दो, देखो इसी एक ही बार में मिल जाएगी, कुछ नहीं होता है। उस दिन सोचो जिस दिन तुम्हारा नंबर या नहीं आएगा, तुम कहोगे थोड़ा और पढ़ लेते, यही टाइम है ना थोड़ा पढ़ने का, बाद में केवल पछतावा रह जाता। सर एक एक साल करके तुम्हारी जिंदगी जा रही है, जियोगे कब, सच बात है नहीं। तो थियोक्रेसी का मतलब थियोक्रेसी, थियोक्रेसी बोलो यानी धर्म तंत्र, जो रिलीजन के कानून से बने वो गया धर्म तंत्र। देव तंत्र क्या है, थियाकी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी धर्म तंत्र, और थियाकी क्या हो गया आपका देवतंत्र, देवताओं द्वारा चले, रिलीजन के द्वारा चले, ये वाला हो गया। अब हमारे ये आपके क्या हो गए, ये कमेंट्स खत्म होगी। अब हमारे पास में लेके चलते हैं किलिंग्स या डेथ ऑफ पर्संस, किसी की डेथ हो जाती है तो कहां रखा जाता है, कैसे करा जाता है, कैसे जलाया जाता है, कहां उस जगह को क्या बोला जाता है, उनके नाम देखेंगे। तो ये क्लासेस जो है ना बड़ी मैजिकल है, इसमें तो आपको अंदर से वो होना चाहिए कि आज हम बहुत सारी चीजों से परिचय होगा। आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है कि आप कितने लेथार्जिक हो सकते हो, कितने आपके जो है ना आप आलस में रह सकते हो, या कितना एनर्जी ले सकते हो, आपके मन का स्टेट है, कुछ नहीं है। जब चाहो तो आप जो ना ऊर्जा अपने अंदर भर सकते हो, क्योंकि सारा किसे कंट्रोल होता है, सर आपका माइंड से कंट्रोल होता है। तुमने जिस दिन सोच लिया अब मेरे से ये जॉब नहीं हो पाएगी, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, उस दिन से आपके ब्रेन वही केमिकल आपका रिलीज करना शुरू कर देगा और आप वही हो जाओगे। रेस का बताया था ना, लास्ट में रेस वही हारता है जिसको लगता है एक सेकंड भी लग गया ना मेरे से नहीं हो पाएगा, तुरंत ही ब्रेन ने केमिकल करे और आपकी पैर रुकने लग गए, गति कम होगी। तुमने बोला होगा कैसे, नहीं वैसे ही स्पीड हो गई, समझ भाई यही होता है। चलो चलो देखते हैं आपके किलिंग से डेथ वाली। सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है, आपका पहले भी आ चुकी है सिमेट्री, है ना। एक ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, कब्रिस्तान विशेषता वह स्थान जो गिरजाघर की संपत्ति नहीं, मैं पहले करा चुका हूँ सिमेट्री, जहां उनको दफनाया जाता है, बहुत सारी कब्रें होती है सिमेट्री। स्पेशली किसकी बात करनी, इंग्लिश क्या है यार, अंग्रेजों की जुड़ी हुई है, क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां पे उनको दफनाया जाता है, ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, उसको सिमेट्री बोल देते हैं। सिमेट्री का मतलब सब एक जैसे भैया, है ना, कब्रिस्तान हमारे शमशान बोलते हैं, सबकी शान कैसी है, समान है उसकी, इसलिए वो शमशान है, सिमेट्री हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, खाचिच, सॉरी आपकी थोड़ा और करके आए, खाचिच, कॉटिच, सॉरी कॉटिच, कॉटिज, कॉटिज का मतलब क्या होता है, जुलूस, ए फ्यूनरल प्रोसेशन, प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मोनर्स, मोनर कौन होते हैं, दुखी लोग, आर यू मोन, मोन नहीं होता इंग्लिश में, मोर्न, मोर्न नहीं बोला जाता, आर साइलेंट रहती है, मोन, आई एम वेरी मोन, मैं दुखी हूं, एम ओ यू आर, मोन माने दुखी होना, आर साइलेंट रहेगी तो मोन हो गया, मोनर्स कौन हो गया आपके, दुखी लोग, उनके द्वारा आपका जो जुलूस लगाया जाता है। अरे सीधी सी बात है, लास्ट चल रही होती है, सॉरी सब जो जा रहा होता है ना उसके पीछे लोग जाते हैं कि नहीं, दुखी वाले, उसी को क्या बोलेंगे आपका, कॉटेज, कॉटेज बोलो, कॉटेज, कॉटेज, ठीक है, चलो हो गया। तो ये हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग आपका नंबर ऑफ, कितने लोग आए, कैसा जुलूस रहा, अच्छा था ना कॉटेज, ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, क्रेमेटोरियम, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, क्रेमेटोरियम, जहां क्रियाकर्म कराया जाता है वो ये क्रेमेटोरियम, हिंदी में हम ऐसे लिंक कर सकते हैं। ए प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफ्यूम्ड, लास्ट होते हैं यानी हिंदी में लिखा हुआ है क्रेमेटोरियम, बोलो क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम आपका क्रेमेशन ग्राउंड, वो स्थान जहां पे आपके ये सारी चीजें होती है, शवदाह गृह, वह भवन जहां शवों को जलाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, क्रेमेटोरियम। अब थोड़ा अंतर देखते हैं सर आपका, ये जो आपका क्रेमेटोरियम और आपका सिमेट्री में अंतर क्या है, सिमेट्री में अंतर क्या है, क्रेमेटोरियम में क्या है। आजकल क्रेमेटोरियम ऐसे बन गए, बिजली वाले देखे हैं आपने, किसी ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, देखो ऐसे करके रहता है चारों तरफ से, ऐसे करके आपको जो बॉडी है उसको डाल दिया जाता है, आपके कुछ ही देर में उधर से राख ले लो, आजकल ये होने लगा है, हम लोग एडवांस हो रहे हैं तो बॉडी को भी ऐसे चला रहे हैं,
ठीक है, लेकिन जो आपका संस्कार होता है ना, कौन सा वाला, अंत्येष्टि संस्कार, वो संस्कार ही होता है। कितना भी कर लो, इतना एडवांस मत हो जाओ कि यार बॉडी को ऐसे करने लगो। इसमें क्या होता है, जितनी बॉडी है गई जस्ट करके तुरंत ही हो जाता है सारा खेल, और उधर जाके रखने के लिए ले जाओ, ये हो जाता है। ये आपका क्या, ये आधुनिक वाले बिजली से चलते हैं, नेक दिन में सारा खत्म कर देता है। दूसरे आपका सिमेट्री क्या होती है, जहाँ पे जलाया नहीं जाता, जहाँ पे दफनाया जाता है सर, ये अंतर है सिमेट्री में और आपके क्रेमेटोरियम में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका, ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी वरे वरे, इसमें पढ़ो बी च वरे, अ अ बीच वरे, आबिचुअरी आबिचुअरे आबिचुअरी, ओके ना, आबिचुअरे। आप ऑबिचुअरी बोल देते ना, आबिचुअरे होता है असल में, आबिचुअरे शोक संदेश, आबिचुअरे। ये कहाँ देखने मिलता है, न्यूज़पेपर देखा है आपने, न्यूज़पेपर में एक जगह रहती है वहां पे सारे शोक संदेश रहते हैं, इस डेट को हमारे वो फलाने खत्म हो गए, हमें बड़ा दुख है, शोक संदेश वाला होता है ना, ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का डिसीज्ड नहीं, डिसीज्ड जो पास अवे हो गए, जो नहीं रहे दुनिया में, उनके बारे में आपका एक लिखा जाता है कि उनका अंत्येष्टि होने वाली है, आप सभी आमंत्रित हैं, फलाने सिंह का ये हो गया, उसको कहेंगे ऑबिचुअरी। बोलो ऑबिचुअरी, क्या हो गया ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी मतलब शोक संदेश। छोटियों को ए पढ़ते हैं, बड़ियों को ए पढ़ते हैं, सॉरी एल जी, एल जी, एल जी, अब सही हो गया, एल जी, एल जी का मतलब होता है शोक कविता, उसी से जुड़ा हुआ शोक गीत, विशेषता दिवंगत के लिए। जुलूस को क्या बोलते हैं आपका, जल्दी बताओ, जुलूस अभी बताया था, कॉटेज, कॉटेज, ठीक है ना, उसके बाद में क्या, कॉटेज नहीं, वो तो रंग भरते हैं, ये क्या आपका एलिजी, एलिजी का मतलब होता है आपका शोक कविता, शोक संदेश, पोएम ऑफ लामेंटेशन ऑफ द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, किसी के प्यारे लोगों की डेथ हो जाती है तब आपका ये एलिजी आपका कराया जाता है। उसके बाद में क्या है, एपिटाफ, एपिटाफ, ए ऊपर रहेगा, देखो ए ऊपर रहेगा, एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब क्या होता है, वर्ड्स इंक्रीज्ड, सॉरी इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द वन इज बरीड, ठीक है ना, किसी की कब्र देखी है उस पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, फलाने सिंह इनकी डेथ ये हुई और ये मान इंसान थे ऐसे करके, उसको क्या बोलेंगे एपिटाफ, जो कब्र पे कोई अच्छे शब्द लिखे रहते हैं उसको एपिटाफ बोलते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द, विशेषता उसकी समाधि पर अंकित, समाधि लेख, हिंदी में एक शब्द में कहे तो समाधि लेख, इसीलिए मैंने एक एक आपके ग्रीन हाईलाइट भी करा, आपका मन करे तो इस वाले मीनिंग को लिख लेना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना, पेन से लिखना जरूर है, आपके घर पे जाके लिखना जरूर है, लिखने से क्या होगा एक और रिविजन हो जाएगा सर, बात मान जाओ तो, ठीक है। और इंग्लिश तो सर ये भी चीज है, भले ही एग्जाम में ना है लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रही, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, इंग्लिश पर्सनैलिटी की लैंग्वेज भी है। इसके बाद में क्या है आपका साइड, पहले पढ़ो साइड, आगे पढ़ो फिली, फिली साइड, फिली साइड, अच्छा यहीं से पर रहता सुसाइड, सु माने सेल्फ, साइड खुद से हमने आपका क्या है अपनी मौत करी है तो वो उसको कहते हैं सुसाइड। ये क्या है फिलीसाइड, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी के बच्चे को मारना उसको कह देंगे फिलीसाइड, क्या हो गया पुत्र हत्या, संतान की हत्या उसको बोलेंगे फिलीसाइड, क्या ध्यान रहेगा, साइड का मतलब मारना किसी को, यहीं पे फिली हो गया तो बच्चा मार दिया, मैट्रिसाइड बोले तो मम्मी मार दी, पैट्रिसाइड पप्पा मार दिए, ठीक है ना, आगे आएगा। चलो इसके क्या है आपका फिटीसाइड, ये क्या आपका साइड बोले तो मारना, फीटी साइड, ये बहुत समाज में हो रहा है, ये क्या कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है, फीटी साइड, अरे फोईटी नहीं होता, इसको पढ़ा फीटी जाएगा, वो बोलेंगे इसमें फीटी साइड, फीटस होता है ना भ्रूण हत्या सर, गर्भ में हत्याएं हो रही है ना आजकल, ये बहुत गलत बात हो रही है, फीटी साइड, मर्डर ऑफ ए फीटस, स्पेलिंग एफ ओ टी यू एस लेकिन पढ़ा जाएगा फीटस, मर्डर, मर्डर ऑफ, मर्डर नहीं, मर्डर ऑफ ए फीटस, ये हो गया आपका फिटीसाइड, भ्रूण हत्या, अच्छा ये हो गया आपका फ्लैटरी, फ्लैटरी,
पीछे पढ़ाओ साइड, फ्रेटरी साइड, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी सुना है आपने शब्द, उसका मतलब होता है आपका ब्रदरहुड। प्रीएम्बल में सुना होगा फ्रेटर्निटी, ठीक है, यानी भाई की हत्या, उसको बोलेंगे फ्रेटी साइड। क्या आपका फ्रेटरी, सॉरी री भी रहेगा, फ्रेटरी साइड। पेट्री साइड बोले तो पिता की, मैट्री साइड बोले तो, मैं कुछ गड़बड़ कर गया था ना, फैक्ट्री बोल गया था पिता के लिए ना, वो पेट्री रहता है, सही बोला था। अच्छा चलो चलो ठीक है, तो मुझे अभी डाउट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है फादर का फैक्ट्री कर दिया हो, वो तो ब्रदर होता है, ठीक है। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, भ्रातृ हत्या। आगे यहाँ पर जेनोसाइड, जेनोसाइड। अच्छा जेन ये शब्द बना जीन से, पूरे एक जाति को ही खत्म कर देना, तो यहां से बना साइड माने, मानना जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ रेस, एक पूरी प्रजाति को खत्म कर देना, ठीक है ना। विशेष प्रजाति धर्म आदि के लोगों की सामूहिक हत्या करना, नरसंहार करना। सर आपको बताते हैं, जैसे जर्मनी में खूब देखने को मिला था, हिटलर ने क्या किया था, कुछ लोगों का, आपका नाजी हिटलर था, उसने दूसरे यहूदियों वगैरह को बाकी को मरवाया था, ठीक है ना। ओके चलो, तो ये हमारी होगी आपके ओडब्ल्यूएस। क्या आपका डिफिडेंट, डिफिडेंट क्या होता है, आत्मसंशयी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आत्मसंशयी होंगे, खुद पे बिलीव नहीं करते, तुम ही खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा कौन कैसे कर लेगा तुम पे, खुद पे संशय नहीं करना है। हनुमान ने संशय करा था, उनको जामवंत ने बताया, भाई बेटा तुम बचपन में ना कमाल करा करे, ये जो सूर वगैरह है उनको तो गाल में ऊपर रख लेता था, समुद्र को कितनी बार आपका फलांग जाते थे, तो वो चीजें होती है। ऐसे ही हमारे सबके अंदर अनुमान है, आपको क्या लग रहा है, आप जब परीक्षा से एक दिन पहले कितना बेहतरीन पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है, आप अपनी क्षमता का यूज ढंग से नहीं करते हो, सच है ना ये। तो आपको डिफिडेंट नहीं होना है, क्या नहीं होना है, डिफिडेंट, डिफिडेंट बोलो, डिफिडेंट नहीं होना है, ठीक है। आत्मसंशयी होना, शाय टिमिड जैसे लोग होते हैं, आत्मविश्वासहीन वाले होते हैं, अपनी शक्ति योग्यता में विश्वास न रखने वाला डिफिडेंट। ए सक्सेसफुल टीचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिफिडेंट। जो अच्छा टीचर होता है वो आत्मसंशयी नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है आपका, चीयरफुल रहता है, वो उसमें आपके जोश रहता है। डायनेमिक का मतलब होता है आपका एनर्जेटिक, कहते हैं ये डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत सारे काम कर लेता है, ठीक है, बुद्धि भी सही है, ये भी है। हर फोन मोला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक पर्सन, बोले डायनेमिक पर्सनैलिटी, इस पर कुछ भी करवा लो, खाना बनवा लो, ये करवा लो, डांस करवा लो, ये सब। सो आपको बहुत कुछ आता है, आप ऐसे हो व्यक्ति तो आप क्या हो, डायनेमिक हो, ठीक है ना। सो बहुत सारे लोग देखेंगे पार्टी में पहुंच गए तो डांस वांस भी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं, सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डायनेमिक, ठीक है। सो ये एनर्जेटिक हो गया, शक्तिमान, स्फूर्ति, गत्यात्मक, ऊर्जास्वी, शक्तियुक्त, ठीक है, ऊर्जा तथा नाना प्रकार के विचारों से पूर्ण व्यक्ति, उसके अंदर शक्ति भी है, साथ साथ में आपके थॉट प्रोसेस भी अच्छी है। सक्रिय व्यक्ति जो हमेशा क्या रहता है आपका, गतिशील, एक शब्द रहता है डायनेमिक का मतलब गति, गतिशील, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपको एट दिस क्रिटिकल जंक्शन इंडिया नीड्स डायनेमिक एंड द सेगेसियस पॉलिटिकल लीडर्स। इस टाइम पे, इस वक्त, जंक्शन का मतलब इस वक्त हमें क्या चाहिए, ऐसे लीडर चाहिए इंडिया को जो कैसे हो, डायनेमिक हो, ऊर्जावान तो हो, जिनकी सोच मर नहीं गई हो, ठीक है ना, एक किसी धर्म से उसमें रुकी ना हो, सबको ख्याल रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, इस देश का नागरिक है। फ्रेटर्निटी, अभी केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, इसी की तो सुनवाई हो रही है, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, जिसको प्रेमल ने बोला था, हमारे संविधान निर्माता ने बोला था, वो कहीं दूर ना चला जाए, यदि एक बार चला गया तो ये गेम शुरू हो जाएगा, किसका, इस पार्टी ने उससे बदला दिया, उस पार्टी ने इससे, इससे आम नागरिकों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। सो इंडिया क्यों, क्या चाहिए, इंडिया नीड्स डायनेमिक एंड सेगेसियस पॉलिटिकल लीडर्स। सेगा, यहाँ पे सागा कहते हैं आपका कहानी, गाथा वाले, बड़े बड़े मान लोग हुए, जैसे आपके लाल बहादुर शास्त्री, कमाल के लोग, अपनी पर्सनल चीज के लिए आपका पैदल भी चले जाते थे, गाड़ी यूज नहीं करते थे सरकारी, ऐसे बेहतरीन व्यक्तित्व भी हुए हैं जिनका नाम लेने से ही आपको पुण्य के भागीदार बन जाते हो, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे महानतम आपके ईमानदार लोग इस देश के पीएम भी बने शुरुआत में, क्योंकि उसी टाइम पे आप आजाद हुए, तो आजादी की जो ललक थी ना, जो कीमत आपने चुकाई थी, कई बार हमें वो फर्क नहीं पड़ता है, हम कुछ भी काम करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता आजादी मिली किस मूल्य पे थी, पता है ना। जब तक आप किसी चीज के लिए पे नहीं करते हो, तब तक वैल्यू नहीं समझते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता है कितना वैल्यू वाला ये प्रोसेस है, इसको देखोगे, इसी कोर्स को जब मैंने दिल्ली पढ़ाया था, पता है 30-35 आप जा रहे हैं उसके लिए, वो अलग पैकेज है, उसमें बात करें पैकेज में तो 10-12 हजार से ऊपर हो गया इसका, तो वो रहता है। अब वो दिल्ली जाते हैं, 10-11 हजार का रूम रहता है, 35 हजार वहां फूकते हैं, तब लगता है हाँ अब हो रही है पढ़ाई, कुछ खर्चा हुआ। डायलेमा, आप कहते हो आई मीन डायलेमा, डिलेमा नहीं होता, क्या होता है डायलेमा, शब्द सही है डायलेमा। हिंदी में कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस टाइम पे मैं पढ़ा हुआ हूं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो, कई बार फंसते हो, अब क्या करूं मैं, क्या करूं, आप कपने लग जाते हो, अब क्या करें,
तो एट दैट टाइम आपका ब्रेन भी रुक जाता है, ठीक है ना, उसको स्थिति को बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, डायलेमा, क्या हो गया आपका डायलेमा, समझ नहीं आता है, अब मार पड़ेगी, ठीक है, दिस इज डायलेमा, डायलेमा समझ में आएगा, इन ए फिक्स, आई मीन फिक्स, आई मीन ए फिक्स, एकदम फिक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, सो आई मीन डायलेमा, आई मीन फिक्स, दुविधा असमंजस, दो या अधिक वस्तुओं में से किसका चयन किया जाए, ये कठिन स्थिति आपकी बन जाती है, इधर जाऊं घर या बाहर पता ही नहीं पड़ रहा है, चलो ही इज इन ए डायलेमा ओवर द चॉइस ऑफ ए चॉइस ऑफ करियर, चॉइस ऑफ करियर, आप करियर में कई बार क्या है ना, आप पुलिस भी बनना है, आपको पुलिस भी बनना, सॉरी टीचर भी बनना है, आपको इसमें ये भी बनना है, आपको ये भी जाना है, आपको वहां पे भी जाना है, पता ही नहीं पड़ रहा भाई साहब तुम हो क्या, सबसे पहले तो करियर डिसाइड करो और उसको इतना प्यार दो कि आपके पास में आ जाएगा, पता है ज्यादातर हमारे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइडेड है बहुत सारी चीजों में, और हर एक परीक्षा की अपनी डिमांड होती है, अपना सिलेबस होता है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होते आपके, ये कड़वी सच्चाई है सर, और एक ही परीक्षा को डिसाइड करो, उसी की तैयारी लगातार करते रहो, रोज करो, और मैंने बोला था फिजिकल क्लास क्या है बहाने, घर पे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना बैठ जाओगे किताब ही नहीं उठेगी, तो आप ये कहो कि ऑनलाइन ज्ञान बहुत बड़ा है, मैंने ये नहीं बात कर रहा हूँ, हम ही ऑनलाइन डाल रहे हैं, लेकिन क्या है वो मुश्किल होता है, आपका कितनी देर पढ़ पाते हो, क्योंकि मोबाइल हाथ में उसी में एंटरटेनमेंट भी, आपका ब्रेन क्या कहेगा पहले उसको देख ले, सौदा वो चाहिए पहले, होता नहीं होता है, वही चीज होती है, और जो पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे सबकी थिंकिंग क्या है पढ़ाई वाली, आप कहते हो आपको शांति नहीं मिली, आप मंदिर जाते हो, क्योंकि सब वहां पे उसी विचार से जाते हैं, किसी की भाव अच्छे, सबके भाव अच्छे होते हैं, इसलिए वहां आपको शांति मिलती है, वो प्लेस जहां पे रहते हैं ना, वहां वाइब, वहां की वाइब्रेशन ऐसी होती है, जरूरी मंदिर ही, कहीं आप कहां जा सकते हो, गिरजाघर में भी जा सकते हो, कहीं आपका क्या मस्जिद है वहां पे भी जा सकते हो, सबकी थिंकिंग आप पे पॉजिटिव रहती है, कोई गलत सोचता नहीं, कोई पाप का सोचता नहीं है, ऐसा भले वो धर्म के डर से बनाया गया लेकिन बन जरूर गया, और यहाँ पे बात करेंगे पढ़ाई का मन करेगा, आपको यार घर जाके आसम खूब पढ़ेंगे, लेकिन घर जाते ही थोड़ी देर बाद, तुरंत एक सप्ताह थोड़ी देर बाद किताब रखी, फिर वो देर कब होती है, दूसरे दिन नहाए धोए चल दिए यहाँ पे आगे, अरे यार कल नहीं पढ़ पाए, कल से देखते हैं बाहर होगा, कल से देखते हैं, ये कल कभी आता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स, आपके पास में क्या है, डेस्पोटिज्म, 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 डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, ट्रेनी या क्रुएलिटी, निरंकुशतावाद या तानाशाही, क्या हमारे देश में डेस्पोटिज्म बढ़ रहा है, क्या निरंकुशतावादी जो आपकी जो संस्थाएं हैं, जो हो सकती हैं, जो लोकतंत्र को बचा सकती हैं, वो किसी के हाथों में चल रही हैं, तो क्या बढ़ रहा है आपका, तानाशाही बढ़ रही है, किसी को भी कहीं पे भी डाल दिया जा रहा है, ये क्या है डेस्पोटिज्म, एक नागरिक होने के नाते आपको प्रखर होना पड़ेगा, आपको किसी का पॉलिटिकल पार्टी या किसी का गुलाम नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको क्या बनना है, आपका कॉस्मोपॉलिटन बनना है, आपको सर्व समाज के हिसाब से चलना है, ठीक है ना, वही आपका शिक्षित है, अदरवाइज पढ़े अनपढ़ में यही अंतर रह जाता है, आप समझ नहीं पाते, सब मनुष्य है, उसके हिसाब से लेके चलना है, ठीक है, डेस्पोटिज्म, निरंकुशतावाद या तानाशाही, क्रुएलिटी, एक के लिए अच्छा कर रहे दूसरे के लिए खराब हो रहा है, ट्रेनी, जर्मन्स गॉट फेड अप विद द डेस्पोटिज्म ऑफ हिटलर वेरी सून, तानाशाह था ना हिटलर, तो जर्मन लोग भी फेड अप हो गए, परेशान हो गए, आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे तंग हो गया हूं, परेशान हो, फेड अप का मतलब हो गया परेशान हो जाना, तंग हो जाना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, आई एम रियली फेड अप विद यू, तुमसे परेशान हो मैं, सो ये सारी चीजें होती हैं, डेक्सट्रस का मतलब क्या होता है, बोलो डेक्सट्रस, डेक्सट्रस, डेक्सट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, आप किसी चीज में क्या हो, डेक्सट्रस हो, मान लीजिए आप एक हाथ से लिखते हो तो क्या डेक्सट्रस हो, लिखना जानते हो डेक्सट्रस हो, और दोनों हाथों से, दोनों के लिए रहता है एमबी, एमबी डेक्सट्रस शब्द रहेगा जो दोनों हाथों से लिख ले, है ना, द आर्टिजन्स ऑफ, ये क्या आपका मुरादाबाद, आर डेक्सट्रस इन दी ब्रास वर्क, आर्टिजन्स, आर्टिजन्स का मतलब क्या, वहां के कारीगर, आर्टवर्क करने वाले आर्टिजन्स, मुरादाबाद के, मुरादाबाद क्या है पीतल नगरी, तो ब्रास वर्क के लिए फेमस है, अब मैं क्या बोलूंगा, फिरोजाबाद, आर्टिजन्स ऑफ, आर्टिजन्स ऑफ फिरोजाबाद किसमें, आपके बेंगल्स में, या ग्लास वर्क, ब्रास वर्क की जगह पे क्या बोल दू, कांच के, आगे आपके पास में आपका डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, मेंटल, टल नहीं है, टल, टल, दोनों याद है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, डेटर से शब्द रहता है, खतरा, डेटर, डिटरेंस वहां से रहता है आपका, हार्मफुल या हानिकारक, द फॉरेन एड हैज प्रूव्ड टू बी डेट्रीमेंटल टू आवर इकोनॉमी, फॉरेन एड का मतलब जो विदेशों से हमें जो सहायता मिलती है वो हमारे लिए हानिकारक हुई है,
विदेशों से कोई सहायता कर रहा है तो अपनी भी तो बात रखेगा, देखो ऐसा है हम सहायता तो कर रहे हैं पर ऐसा हमारा माल फ्री में जाएगा, उनका माल फ्री में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो माल बन रहा है वो कम्पीट ही नहीं कर पाए तो लोग तो उन्हीं का खरीदेंगे, समझ आ रही है ना। बहुत सारे तरीके में, वो तो एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जेसिक्रेट। जेसिक्रेट का मतलब क्या हो गया आपका, धार्मिक स्थल को हानि पहुंचाना। जेसिक्रेट का मतलब हो गया धार्मिक स्थल को, वायलेट सेंक्टिटी, किसी जगह की पवित्रता को खत्म कर देना, उसको बोलेंगे डेसिक्रेट। क्या हो गया आपका, डेसिक्रेट। द राइटर्स डेस्क्रेटेड द रिलीजियस प्लेसेस, डेस्क्रेटेड का मतलब उनको खराब करते हैं। राइटर्स कौन होते हैं आपके, ये राइटर लिखने वाले नहीं, राइट करने वाले विद्रोही है ना, इसकी स्पेलिंग अलग रहती है। तो ये हो गया आपका अनादर करना उस चीजों का। आपके पास में क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाता है सर आपका, वैरायटी, बोलो वैरायटी, वैरायटी नहीं वैरायटी, वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग सब तरह। अच्छा हमारे कंट्री में सब तरह के लोग हैं तो तभी तो हमारा कंट्री जो है ना दुनिया में एक नायाब है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के, सब धर्मों के, सब भाषाएं, कितनी चीजें बोली जाती हैं, जो ये रहता है ना उसी को कहते हैं अनेकता में एकता, है ना। एक जो होता है ना गुलस्ता होता है वैसे ही होता है, जो बुके होता है उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं तभी तो सुंदर दिखता है वो, एक ही तरह के हो। अच्छा आपको रोज आपका सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है वेजिटेरियन में, कोई कहेगा मेरे को शाही पनीर अच्छा लगता है, कोई कहेगा मेरे को सोया चाप अच्छी लगती है, कोई कहेगा रेपटी अच्छी लगता है ना, तो क्या अच्छा लगता है जो भी चीज है, कोई कहेगा मेरे को ना भिंडी अच्छी, नहीं भिंडी अच्छी लगती है, आपको रोज भिंडी खवाई जाए तो भिंडी जो है ना इतनी भुंडी लगने लगेगी जो कि छोड़ आप। इसका मतलब क्या है, जब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी रहती है, आपका एक ही मौसम रहते तुम परेशान हो जाते, तुम कहते यार जाड़े अच्छे थे और जाड़े में कहते यार गर्मी सही थी, यही तो मजा है इस देश का यार, कमाल का देश है यार तुमने, और फिर उसको तुम एक ही चीज थोपना चाहोगे ना बर्बाद कर दोगे इस देश को। वो सभ्यता जो बड़े दिनों से एक तरह की विचारधारा, सब तरह की थिंकिंग, सब कुछ चीजें रही है, इसीलिए इसमें डाइवर्सिटी हमेशा ही अच्छी रहती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये बात भी मैं बोल रहा था। जलसित, जलसित, जलसित का मतलब होता है मेलेडियस टू दी सॉरी ईयर और टेस्ट, कान के लिए जो सुनने में अच्छा लगे, कर्ण प्रिय हो, उसको बोलते हैं आपका जलसित, जलसित। एज ए सिंगर जगदीश सिंह इज नोन फॉर हिज जलसित, जलसित वॉइस। जगदीश सिंह को जानते हो जो क्या गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं, जलसित वॉइस। हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, डिमाइज। डिमाइज बोलो क्या है, डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, जरूरी आप डेथ बोलो, उनकी क्या होगी, डिमाइज। डे माइज, माइस नहीं माइज, डिमाइज। किसी की डेथ को क्या बोल सकते हैं, डिमाइज, उनकी डिमाइज के बाद में, ठीक है। तो व्यक्ति का निधन हो जाना। इन द डिमाइज ऑफ सरदार पटेल इंडिया लॉस्ट द मोस्ट सेगेसियस लीडर, ऐसा लीडर जिसकी एक गाथा है। अच्छा आफ्टर डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंडिया लॉस्ट सेगेसियस लीडर, एक सेगेसियस लीडर कौन है, लाल बहादुर शास्त्री भी, ऐसे आपके चीजें रही थी, ठीक है। तो ये आपका डे 18 और इसको रिवाइज करना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, क्या नहीं लग रहा वोकैबुलरी में, ऐसा लगता है बहुत दुनिया घूम लेते थोड़ी देर में, ठीक है ना। इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और जो आपको अच्छा लगे उसको आपका बताना भी कि मैं आपका रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए खुश रहिए, ख्याल रखिए।